वायु प्रदूषण नियंत्रण को अब हर जिले में लागू होगी विशेष कार्य योजना। जहरीली होती हवा शहरों की बड़ी समस्या है। पटना, गया और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों के साथ ही अन्य जिलों में भी वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और अमोनिया के बढ़ते प्रभाव की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। सरकार ने माना है कि हवा के जहरीले होने की बड़ी वजह वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या है। अकेले पटना जिले में 15 लाख से ज्यादा वाहन पंजीकृत है और दूसरे शहरों में भी वाहनों की संख्या बढ़ी है। इसके अलावा तेज शोर गुल, बड़ी मात्रा में प्लास्टिक की वजह से होने वाली प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है। अब सरकार ने जिलों में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए पटना, गया और मुजफ्फरपुर के बाद अन्य जिलों में भी 2018 में बनी कार्ययोजना को लागू करने का फैसला लिया है। बीते दिनों मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में वायु प्रदूषण बढ़ती समस्या पर चर्चा और इसके निदान के लिए बैठक बुलाई गई। इसमें सभी जिला अधिकारियों ने अपने अपने जिलों वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर सरकार को अवगत कराया। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए मुख्य सचिव ने बैठक में 2018 में पटना, गया और मुजफ्फरपुर के लिए बनाए गए एक्शन प्लान को प्रभावी करने के लिए निर्देश दिए। 2018 में ग्रेट रिस्पांस एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन को 3 जिलों में प्रभावी बनाया गया था। इसके तहत वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई अहम कदम उठाए जाने हैं।